हाउ टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर आपको कोई एल्कीन दी है और आपको उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मॉलिक्यूल में जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगी, आपका एल्कीन उतना स्टेबल होगा। पर सवाल ये उठता है कि अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगी कैसे, तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल वन हमारे पास है और ये एक एल्कीन है। आपको क्या करना है, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा उसको सर्कल कर लेना है, लाइक दिस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है तो वो भी उसमें आ जाएगी। नाउ अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ पड़ोसी वाली जो कार्बन है उसे चेक करना है। तो इस कार्बन के पड़ोस में ये वाली कार्बन है और इस कार्बन के पड़ोस में ये वाली कार्बन है। इन पड़ोसी कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन्स। तो ये एक अल्फा हुई कार्बन हुई और ये एक अल्फा हाइड कार्बन हुई। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स, ओके। बट यू हैव टू डू डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाली कार्बन, पड़ोसी कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगी होगी, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे थ्री और थ्री, यानी कि टोटल वी हैव अ सिक्स अल्फा हाइड्रोजन्स। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर टू, डबल बॉन्ड कार्बन को आपने सर्कल कर लेना है और उसके पड़ोसी कार्बन को देखना है। तो इसका पड़ोसी CH2 है, इस कार्बन के पड़ोस में CH2 है, CH3 नहीं, CH3 तो दूर का रिश्तेदार है, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो CH2 इज योर अल्फा कार्बन और यहाँ पे इसका पड़ोसी ये है, तो दिस इज योर अल्फा कार्बन, ओके। इन अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगी है, थ्री और टू, टोटल फाइव है, यानी कि इस मॉलिक्यूल में टोटल फाइव अल्फा हाइड्रोजन है। सिमिलरली तीसरे एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड कार्बन को अंडरलाइन सर्कल कर देते हैं और साथ में कार्बन देखते हैं, बट इसके तो दोनों तरफ प्लॉट खाली है, यानी कि इसके पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, और अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं हो सकती, यानी कि जीरो अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो मुझे याद रखना है कि इट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो अबव थ्री एग्जाम्पल्स हैं, उनमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वन के पास और फिर टू के पास और थ्री के पास, तो दैट विल बी देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। आपके लिए एक DIY क्वेश्चन है, DIY क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन। ये है कि आपको दो मॉलिक्यूल दिए हूँ ए एंड बी, आपको बताना है कि इनमें से मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी है, विच वन इज मोर स्टेबल एल्कीन। जो भी आंसर होगा कमेंट में बताना और फिर मैं चेक करूंगी कि कितने आंसर्स यहाँ पे सही आए, ठीक है। टिल देन, बाय बाय।